होश आता है। प्योर इंडक्टर की पावर कितनी रहती है? क्या सुना है तुमने? कि प्योर इंडक्टर जो है वो शून्य पावर को कंज्यूम करता है ना? सुना है? यस सर। सबने सुना है? कैसे करता है? आप साइकिल लेके चलो, एक दो तीन, एक साइकिल की बात करें या इस साइकिल में वोल्टेज क्या है, करंट क्या है? तो V into I, zero. V maximum current है? Zero. तो पावर कितनी हुई? Zero. इस साइकिल में हो, वोल्टेज क्या है? अधिकतम zero. करंट क्या है? अधिकतम करंट, अधिकतम वोल्टेज zero. तो V into I zero. पावर zero. Zero. फिर यहाँ पे वोल्टेज अधिकतम, अधिकतम करंट zero. तो पावर zero. कोई सही नहीं है। इसलिए कहते हैं शॉर्ट इंडक्टर जो है वो पावर जो है उसमें जीरो होती है। समझ प्योर की बात है, सुना ही होगा बहुत बार सुनते हो। सुना है सर, समझा नहीं सर जी। इसमें पावर फैक्टर होते हैं, पावर फैक्टर तो होगा, बाकी की बात सही है। आर अपॉन जेड होगा, वो तो होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पूरी थ्योरम सॉल्व हो गई है। नहीं सर जी, वी आई कॉस फाई करते हैं तो वैसे भी जीरो होते हैं। पावर तो बेसिक होती तो भी है। अब इधर मैं पावर क्या लिया था, वी आई वैसे क्या होता है? कॉस फाई, कॉस फाई यहाँ क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन जेड, जेड में एक्सएल एक्स ही आते हैं और आर आता है, वो आगे की बात है। धीरे धीरे सुनो, एक साल तो कैसे सीखेंगे? ये समझ आई बात? कैपेसिटेंस से करो सवाल। क्यू बराबर क्या था? सी बटा ये बात नहीं करता, सी बटा उतारा सर, बड़ा उतार लेगा। ये पूरा उतार देते फिर साथ में उतार देना, ताकि तो कुछ समझ का वो समझ भी लेना। तो यहाँ आई बराबर क्या है? डी डी क्यू अपॉन में डी टी। क्यू बराबर क्या है? सी डी। मैं ये लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी सी डी। यस सर। लिख सकता हूँ? यस सर। यहाँ मैं उसको लिख सकता हूँ जी अपॉन में डी टी सी वी एम साइन ओमेगा टी। किसी दिक्कत है? ठीक है। आवेश में परिवर्तन की दर विद्युत धारा के बराबर होती है, चलो नहीं होती है? आवेश में परिवर्तन की दर धारा के बराबर, तो I बराबर लिखेंगे। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? Q का मान क्या था? CV, CV लिख दिया। V इक्वेशन क्या है? Vm sin ओमेगा t, तो मैंने क्या लिख दिया? अभी d by dt का मतलब क्या है? तो हमेशा ध्यान रखो, बेसिक डिफरेंस ध्यान रखो, पूरा अवकलन समाकलन समझने की जरूरत नहीं है। d by dt क्या रहता है? अवकलन करंट के सापेक्ष किसी भी चीज में परिवर्तन। और ये जो इंटूमेटिविटी रहता है सब, और ये निशान रहता है, इसका मतलब समाकलन। अब ये इसका क्या करना अपने वाले अवकलन। तो आई बराबर मैंने कहा था डीटी है, तो टी के सापेक्ष परिवर्तन है, टी के अलावा जो भी है वो खास आ जाएगा, आगे आ जाएगा बाहर। यहाँ क्या था? टी के अलावा ये था, ये क्या आ जाता है? समाकलन से। तो ये भी अवकलन से क्या आ जाएगा? I बराबर C Vm d by dt sin omega t। अब देखो sin का अवकलन क्या रहता है? cos तो minus cos, ये समाकलन है अवकलन cos। I बराबर C Vm d by dt cos omega t। फिर मैंने क्या कहा कि जब भी अवकलन करेंगे तो t के साथ वाली संख्या घटाएंगे, और जब भी अवकलन करेंगे तो बराबर जाएगा। तो t के साथ क्या था? ओमेगा। तो ओमेगा घटा देगा, ये हो गया माइनस cos ओमेगा t था, तो 5 by 2 क्या हुआ? माइनस। अब क्या है cos ओमेगा t? यस सर, किसका है? प्लस का है। तो अब 5 by 2 क्या हो जाएगा उसमें? प्लस। प्लस तो i बराबर ओमेगा सी वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 बटे पाई बाय टू। यहाँ माइनस था तो पाई बाय टू क्या हो गया? माइनस। यहाँ प्लस था तो पाई बाय टू क्या हो गया? प्लस। इसको यूं लिख सकते हो आई बराबर वी एम वन अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। लिख सकते हो बटे से बटे वाली संख्या क्या होती है? तो वो
यहाँ मैं लिख सकता हूँ आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू टेन का डिफरेंस करो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू क्या बचा फाइव बाई टू मतलब ये क्या होगा कि जब करंट जो लाना क्या है फाइव बाई टू और यू भी नहीं देखे आपने तो करंट क्या है फाइव बाई इससे क्या है नब्बे डिग्री आगे करंट क्या है इससे नब्बे डिग्री और अपने बोल भी क्या देते ये देख लो कितना क्या आई जो अभी निकल गई कितने डिग्री अब वेव फॉर्म बनाए तो ये आ रहा है इस वीडियो में देख लेते हैं बाद में भी आएगी तो ये पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय और यहाँ पे बी की बात करते हैं ना अब क्या करेंगे 90 डिग्री आगे इसका मतलब वोल्टेज जब वोल्टेज जीरो होगी उस टाइम करंट क्या रहेगा अधिकतम 90 डिग्री अधिकतम जब वोल्टेज मिनिमम होगी यहाँ पे वोल्टेज क्या है अधिकतम अधिकतम मिनिमम सही है यस सर अब ये सर्किट बन गया कि वोल्टेज करंट से क्योंकि यहाँ पे क्या है वोल्टेज जीरो पर करंट का मान पहले से हाई था तो ये नब्बे डिग्री क्या यहाँ देखो इधर क्या था कि जब वोल्टेज अधिकतम थी करंट यही पर यही थी इसमें करंट पहले से ज्यादा थी ये क्या हुआ पावर क्या रही है पावर जीरो कैसे एक एक डिग्री कैसे और ये देखो पावर कितनी धारा ज्यादा होगी जरा आपके पास ही है मेरे को मतलब आपको खुद को समझ आ जीरो रहेगी सर इक्वल वी आई होएगा तो जीरो रहेगी कंफर्म है यस सर कैसे पता चला जीरो सर जब वोल्टेज अधिकतम मान पे होगी तो धारा जीरो पे होगी बस ठीक है समझ आ गई बात यस सर अब क्या है ये तो था एक प्योर आर प्योर एल प्योर सी ये डायग्राम विद फेजर जो है पेपर देखते हैं इसका पेपर भेजा हुआ है आपके पास रोहित ने कहता रोहित क्वेश्चन कोई देखे तो देखेगा आज से आया थे आज से अभी पढ़ा नहीं हमने क्वेश्चन मान लिए पढ़ लिए थे शक्ति गुणांक है या पावर फैक्टर का वो अभी इसमें देखेंगे अपने पिछले प्योर आर का आया नहीं है आर एल का आया चलो अब आर एल और सी अलग अलग पता चले कि अलग अलग है ये कैसे काम कर रहा है अगली बार देखेंगे आर एल कैसे कर रहा है आर सी कैसा कर रहा है और फिर तीनों को माइंड आर एल और सी कैसे मंडे को आओगे क्या मंडे को आ जाना आ जाएंगे सर आर एल सी पूरा कर देंगे तो आर एल सी से क्या करेंगे सिंगल सिंगल हो गए फिर आर एल सी दोनों हो जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा साथ में पावर फैक्टर पढ़ लेंगे कि पावर फैक्टर क्या रहने वाला है जब ये तीनों चारों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी इसको छोड़ देंगे आगे आ जाएंगे स्टार्ट कनेक्शन डेटा लेने से कि थ्री फेज का फायदा क्या रहता है क्यों यूज करते हैं एक क्वेश्चन पक्का है फिर ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि डेल्टा में एक रेजिस्टेंस आ रहा है तो सीरीज में कितना हो जाए स्टार में कितना हो जाएगा या एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि ये रेजिस्टेंस है इसको स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में कितना तो वो क्वेश्चन 7-8 नंबर का पक्का आता है वो हो जाएगा फिर अपने चलेंगे अपने थ्योरम की साइड में कि वो थ्योरम बेसिक पढ़ेंगे थ्योरम पढ़ते जाएंगे और उसको आगे क्लियर करते जाएंगे आपका काम यह है रणवीर सर को बोलो कि 3003 को स्टार्ट मशीन भी मैं करवा दूंगा साथ में 3003 थ्योरी है वो आप